दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हादसे का मामला सामने आया, जहां पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट सामने आया है। निजी रूप से हादसे की निगरानी कर रहा हूं, ये राममोहन नायडू ने कहा है। घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो राममोहन नायडू ने ये कहा है, 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। विनीत फोनलाइन पर जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, ये जो हादसा हुआ आईजीआई एयरपोर्ट पर, जिसे लेकर सोशल मीडिया साइट पर भी नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी है, कैसे हादसा हुआ, कोई जानकारी मिल पाई हो? तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारिश के कारण जिस तरह से छत जो है वो छत गिर गई थी, और एक वाहन पर जो है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक वाहन पर छत गिर गई, जिसके कारण उस वाहन के अंदर 4 लोग थे और 4 लोग में चारों लोग जो है वो घायल हो गए हैं। 3 व्यक्ति को जो है वो जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल जो है वो ले जाया गया है। पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। एक बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि बारिश के कारण जो छत में रिसाव हुआ है, और उस रिसाव के कारण एक वाहन पे जो है वो छत गिर गई, और उसके कारण जो है वो ये हादसा हुआ है, जिसमें छत गिर जाने के कारण, एक वाहन पर गिर जाने के कारण 4 लोग जो है वो इसमें घायल हुए हैं, और सभी को जो है जो छत गिरने के चपेट में आए थे, उन्हें इलाज के लिए इलाज करवाया जा रहा है। अगर हम बात करें मैं नागरिक उड्डयन मंत्री की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर साफ कहा है कि वो पूरी तरह से मामले को व्यक्तिगत तौर पर जांच कर रहे हैं, मैं उसको निगरानी कर रहे हैं, और जो हर संभव मदद दी जा सकती है घायलों को, उसे की जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए विनीत आपका।